आपके पास फाइलम मोलस्का, मोलस्का की तरफ और फाइलम एनाइनिडा की तरफ, डिस्कस कर दिया दोनों को। सिंपलेस्ट है आपके पास पहले फाइलम, आपके पास मोलस्का, तो इसको देख ले थोड़ा फाइलम मोलस्का को। द एनिमल हैविंग सॉफ्ट बॉडीज, वो एनिमल जिनकी बॉडी आपके पास सॉफ्ट किस्म की हो तो उसको हम फाइलम मोलस्का कहते हैं। हैबिटेट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके पास तारीफ हो गई, तो हैबिटेट में फ्रेश वाटर और आपके पास मैरन वाटर के अंदर ये रहते हैं आपके पास। इनकी लेयर वही ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। यहाँ पर बढ़ते हैं, पहले जो पोरेफरा थे उनकी सिर्फ आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं थी, बाकी अलावा जितने भी है आपके पास सारे का ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बायलेटरल सिमेट्री है इनके अंदर आपके पास। इसके बाद उनकी बॉडी की जो कुछ आपके पास स्ट्रक्चर बनी हुई है उसमें हेड होता है, फुट आती है और इंटरनल ऑर्गन आते हैं। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें एनस भी है और माउथ भी है, दोनों ही है। अगर उनके एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें स्पेशल किस के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेफ्राइडा कहते हैं, इन्हीं के जरिए आपके पास वो एक्सक्रीशन करते हैं। बढ़ते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी सर्कुलेशन की तरफ, तो ब्लड होता है लेकिन ब्लड वहाँ पर कलरलेस होता है, जबकि हार्ट भी एक ही होता है हमारी तरह। यहाँ पर उनके प्रोटेक्शन के लिए एक शेल है जिसको हम केलेरियस शेल कहते हैं, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। सिल्यूम नहीं है, हेमोसियोल एक स्ट्रक्चर है और उसकी बॉडी के अंदर कैविटी है। मसल्स और फुट के जरिए आपके पास ये मूवमेंट करते हैं, इनके मस्कुलर और फुट होते हैं जिनके जरिए मूवमेंट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ही होती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इज इन बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। फाइलम एनेलिडा की तरफ बढ़ते हैं, एनेलिडा की तरफ। द एनिमल हैविंग रिंग लाइक सेगमेंटेड बॉडी, दोज एनिमल हैविंग रिंग लाइक सेगमेंटेड बॉडी, वो ताल्लुक करते हैं फाइलम एनेलिडा से। इनका जो हैबिटेट है आपके पास लैंड है, जमीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। बॉडी की लेयर्स की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब तीन लेयर से उनकी बॉडी बनी है। सिमेट्री की बात करें तो वो बाई लेटरल है आपके पास। यहाँ पर एक कुदरत है अल्लाह की, इनकी बॉडी जो सेगमेंटेड होती है कुछ इस तरह, हर एक सेगमेंट में ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक इस तरह का सेगमेंट है आपके पास, उसमें जितने भी ऑर्गन है, दूसरा जो उसका सेगमेंट होगा उसमें भी वही ऑर्गन सारी चीज़ें रिपीटेड होंगी, तीसरा जो है उसमें भी रिपीटेड होंगी। तो ये एक किस्म की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। नेफ्रिडिया इनके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेन नहीं होता, सिंपल ब्रेन होता है जिसके जरिए वर्क लेते हैं। इनके लिए अंदर सिलिया नहीं होती मूवमेंट के लिए, ना मस्कुलर फुट होते थे, तो पैरापोडिया इनका एक ऑर्गन है जिसके जरिए वो, या स्ट्रक्चर है जिसके जरिए वो मूवमेंट आपके पास करते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। ब्लड इनका होता है कलरलेस आपके पास, कोई सा स्ट्रक्चर इसी की तरह स्ट्रक्चर जो है ना मोलस्को का है, और ये जो रिंग लाइक डायग्राम है वो है फिल्म। ओके, थैंक यू।